घर में भी कर पाएंगे कोरोना की जांच। आईसीएमआर ने होम टेस्टिंग किट को दी मंजूरी। देश में मेडिकल रिसर्च की अग्रणी संस्था आईसीएमआर ने अब कोरोना जांच के लिए नई एडवाइजरी जारी की है। नई एडवाइजरी के मुताबिक कोरोना के जांच अब लोग घर में कर सकेंगे। रैपिड एंटीजन टेस्ट के लिए एक टेस्ट किट को आईसीएमआर की मंजूरी मिल गई है। इस किट के जरिए लोग घर में ही नाक के जरिए कोरोना जांच के लिए सैंपल ले सकेंगे। होम आइसोलेशन टेस्टिंग किट के लिए माय लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन लिमिटेड पुणे की कंपनी को ऑथराइज किया गया है। इस किट का नाम कोवी सेल्फ है, जिसकी बाजार में कीमत 250 रुपए तक होगी। एडवाइजरी में कहा गया है कि होम टेस्टिंग सिर्फ सिम्टोमेटिक मरीजों के साथ ही, जो लोग लैब में कंफर्म केस के सीधे संपर्क में आए हों, उनके लिए है। होम टेस्टिंग कंपनी के सुझाए मैनुअल तौर तरीके से होगा। होम टेस्टिंग के लिए गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी। मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए पॉजिटिव और नेगेटिव रिपोर्ट मिलेगी। मंजूरी के बाद आईसीएमआर ने जांच को लेकर भी एडवाइजरी जारी की है। इसमें कहा गया है कि वे लोग जिनमें लक्षण नजर आ रहे हैं या हाल ही में संक्रमितों के संपर्क में आए लोगों को टेस्ट कराना चाहिए। साथ ही आईसीएमआर ने कहा, बिना वजह जांच के लिए जाने की सलाह नहीं है। जो लोग होम टेस्टिंग करेंगे उन्हें टेस्ट स्ट्रिप पिक्चर खींचना पड़ेगा और उसी फोन से तस्वीर लेनी होगी, जिस पर मोबाइल ऐप डाउनलोड होगा। मोबाइल फोन का डाटा सीधा आईसीएमआर के टेस्टिंग पोर्टल पर स्टोर हो जाएगा। मरीज की गोपनीयता बरकरार रहेगी। इस टेस्ट के जरिए जो जिनकी पॉजिटिव रिपोर्ट आएगी उन्हें पॉजिटिव माना जाएगा और किसी टेस्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो लोग पॉजिटिव होंगे उन्हें होम आइसोलेशन को लेकर आईसीएमआर और हेल्थ मिनिस्ट्री की गाइडलाइंस को मानना होगा। लक्षण वाले जिन मरीजों का रिजल्ट नेगेटिव आएगा उनको आरटीपीसीआर करवाना होगा। सभी रैपिड एंटीजन नेगेटिव सिम्टोमेटिक लोगों को सस्पेक्टेड कोविड केस माना जाएगा और जब तक आरटीपीसीआर का रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक उन्हें होम आइसोलेशन में ही रहना होगा।